स्टार प्लस की पॉपुलर शो में किसी के प्यार में की कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट के बाद सई की जिंदगी में तूफान आएगा और पाकी भी सबके खिलाफ हो जाएगी। आप फैंस देखने वाले हैं कि सई पर विनायक को पाकी और विराट से दूर करने का आरोप भी लगेगा। सई अपनी सफाइयां तो देगी लेकिन विराट और पाकी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होने वाले। अभी तक आपने देखा है कि विराट और पाकी की एनिवर्सरी चौहान निवास में मनाई जा रही है। विनायक ने जिद करके सई की बेटी सभी को पार्टी में बुलाया है और विराट खुद सभी को लेने गया था। पहले तो सई ने सभी को भेजने से साफ मना कर दिया लेकिन फिर बच्चों की खुशी के लिए वो उसे भेजने के लिए तैयार हो गई। सभी पार्टी में तो आ गई है लेकिन उसे इस बात की फिक्र है कि कहीं पार्टी में सभी कुछ से कुछ कह ना दे। इसी डर से पार्टी में सई भी पहुंच जाएगी और ड्रामा डबल होने वाला है। प्रोमो के अकॉर्डिंग तो ये दिखाया गया है कि पाकी और विराट गुस्से में सई के घर पहुंचेंगे और इसके बाद सई पे ये आरोप लगाएंगे कि उसने उन दोनों से विनायक को गुम किया है। ये बात दरअसल विनायक को पता नहीं है कि विराट और पाकी ने उसे गोद लिया है। विराट और पाकी सई पे आरोप लगाते हैं कि उसने विनायक को ये सच बता दिया और इस वजह से उनका बेटा विनायक दूर चला गया। सई इन सब पर अपनी सफाई तो देगी कि उसने ऐसा नहीं किया है और फिर जब विराट और पाकी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे तो विनायक को वापस लाने का जिम्मा उठा लेंगे। अब देखना तो ये होगा कि सई विनायक को विराट और पाकी की जिंदगी में कैसे वापस लाती है। वहीं फैंस इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी सभी के पिता का सच कब विराट के सामने आएगा। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी भी हैं शो में आने के लिए।